क्या हाल है? हेलो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखने के लिए ओपन की है तो मतलब आप भी हमारी तरह अपनी डेली लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो ये कहानी है 9 नवंबर की, जब मैं रोज़ की तरह अपना फेवरेट मॉर्निंग म्यूजिक सुनते हुए हमारे गेमिंग सेटअप की सफाई कर रहा था। तभी नेक्स्ट गाना आता है जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह थे। ऑल ऑफ अ सडन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज गंगा मैया के दर्शन करके अपने पापी भाइयों के पाप धुलवा दिए जाएं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ भैया, हरिद्वार चलोगे? चल ला। चले? चला। चल तो ले, पर किसी को बुलाए भी क्या? निशांत को करूँ फोन? कर लो। और सचिन? कर लो। हाँ निशांत, अरे सुन, उठ गया क्या तू? कॉलेज तो नहीं जा रहा आज? जा रहा है। हरिद्वार चलेगा? चल ठीक है, तू 9:30 बजे तक आ, फिर हम यहाँ से हरिद्वार निकलते, ठीक है? सचिन को फोन मार दे तू, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ चल ठीक है, ओके ओके ओके, आ रहा आ रहा आ रहा। अब कंपेनियंस तो डिसाइड हो गए थे, लेकिन तभी मेरा पापी भाई एक समझदारी वाली बात बोल देता है। एक बात तो बताओ, क्या खाना है? घर से खाके चलोगे कि रास्ते में खाओगे? खाना। नैन्सी। तो मैं अपनी प्यारी बहन, जो कि गुस्सा आने पे या काम बताने पे किसी चुड़ैल से कम नहीं है, उसको कुछ ये बोलता हूँ, 5-10 पराठे एक्स्ट्रा बना दिए, हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। एंड आप मानोगे नहीं, उसने एक बार में हाँ बोल दिया। बढ़ा दूंगी। फिर मैं अपना बैग पैक कर ही रहा होता हूँ कि बेल की आवाज कुछ इस तरह आती है, और ये जाहिल कोई और नहीं, निशांत होता है। वो हमेशा बेल ऐसे ही बजाता है। सचिन कर रहा है क्या रास्ते में? ये कौन मतलब? ये तो काम वाला है, वो तो है ही। फिर बीइंग अ बड़ा भाई, मैं अपना और अपने भाइयों का सामान पैक कर ही रहा होता हूँ कि मेरे छोटे भाई ने मेरी शुरुआत में बोली गई बात को जस्टिफाई कर दिया कि वो कितना बड़ा पापी है, आप खुद ही देख लीजिए। ज्यादा ठंड, देख अक्षय ने तो ये ले ली, मैंने अब मेरे लिए काली जैकेट रखी। पहले ये भी रख लो। तूने अपनी निक्कर मेरे मुंह पे मार दिया। फिर सारा सामान पैक करके, जो कि होता है एक जोड़ी कपड़े नहाने के बाद पहनने के लिए, बहन के बनाए पराठे, पानी की बोतल, टॉवल एंड पॉली बैग्स गीले कपड़े रखने के लिए, ये सब पैक करके निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। गाने सुनते और गाते हुए हम घर से निकलते ही हैं कि ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब भैया 400-500 किलोमीटर का सफर है तो पेट्रोल भी तो चाहिए होगा, तो रुकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। लाइफ में पहली बार ये बोला है मैंने किसी पेट्रोल पंप वाले को, फुल कर दो। मेरी जिंदगी में पहली बार बोला है मैंने। एंड वहाँ मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि पेट्रोल डालने वाले अंकल भी हंस पड़ते हैं। ये रुक जाता अपने आप फुल होके। वो टंकी खाली थी क्या? वो टंकी खाली थी, रिजर्व से भी नीचे थी, ई से भी नीचे पहुंची हुई थी, बिल्कुल थोड़ा सा पेट्रोल पड़ा था, फूट मार 0.50 लीटर थी। बाकी सारा भर गया, पूरी गाड़ी में बस आधे लीटर पेट्रोल बचा था, थोड़ी देर आगे जाके पता चलता धक्का लगा रहे। अरे 100 रुपए का बचा हुआ था, देख फुल हो गया। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार देखी अपनी सुइया के पार। आज अमीरी जा रही है भाई, पूरी ऐप पे जा रखी है। 100 रुपए का पड़ा रहे अंकल जी, जाओ 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 विश्वविद्यालय। अरे अंकल जी। एंड और एक चीज़ जो मैं फिल्म करना भूल गया, हमारा टायर पंचर था तो उसके लिए हमने कुछ ऐसा जुगाड़ किया। हवा भरने वाले ने पता क्या बोला कि 6 पॉइंट हवा बस आपकी टायर में पंचर है, तो पंचर बनाने में कह रहा था 10-15 मिनट लगेंगे। भाई अपने पास तो हम तो हवा भर के काम चला रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे हरिद्वार में ही लगवाएंगे पंचर, इसमें लगवाया तो हवा भर के वापस आ जाएंगे। फाइनली भाई 1 घंटे तक जाम में मशक्कत करने के बाद अब हम खुली रोड का मजा लेते हुए जा ही रहे होते कि मेरा पापी भाई, जो कि सबसे छोटा है, वो एक और पाप कर देता है। सुनिए वो क्या था।
ट्रिप पर जाए और लॉर्ड रवि कुमार का गाना ना बजे, ऐसा हो सकता है? फिर ये कैंसर झेलने के बाद एक अच्छा गाना तो भाई हम भी डिजर्व करते हैं। हरियाणवी है तब को नहीं कर दे आना जाना हानि और लाभ का, गले मेरे रे जाओ दादे गड़े गिरो सिर पर हाथ गड़ी साहब का, ओ मां बेटी चूल्हे पर रोंदी देखी है गाने सुनते और सफर का मजा लेते हुए चल ही रहे होते कि एक खुशी कम कर देने वाली चीज हमारे सामने आती है। तो गाइस अभी पहला टोल आ गया है एंड हमने 500 रुपए से रिचार्ज कर लिया था अपना फास्टैग, देखते हैं कितने का कटेगा। इधर पहली बार आया हूं मैं खुद ही इस वाले पे। जो भी फास्टैग की सर्विस बड़ी सही है, तो पहले भाई इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, हद नहीं जिसकी। टोल नंबर सेकंड आ गया गाइस, और मतलब सरप्राइजिंग बात ये है कि 110-120 रुपए हमने सिर्फ टोल के दे दिए हैं। मतलब इतना ज्यादा महंगा हो रखा टोल यार, 50-60-70 रुपए का रखो इतना महंगा करके। हमारी गाड़ी का मतलब 100 रुपए में अगर गाड़ी 15-16 की माइलेज भी दे रही तो 32 किलोमीटर का तो टोल लग गया हमारा। महंगा पड़ रहा है गाइस धीरे धीरे भाई, ऐसा वो अपना बूथ छोड़ के बाहर घूम रहा है, कहता जाओ जाओ फास्टैग ही नहीं दिखा उसको पहले, तो दिखाओ यहाँ लगा हुआ हमारी कार में। नहीं ना कराते कोई स्कैन ना कराते कोई पीछे, अरे पीछे भाग लेते भाई, इतने अच्छे नहीं है, मारना पहले शुरू करते और पूछते बाद में टैग कर। गाइस और एक बात, ये बाइक वालों को जान प्यारी नहीं होती क्या? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लो। कितनी ज्यादा है पता नहीं कैमरे में आ रही है कि नहीं, पर भाई बहुत ज्यादा है, बहुत धुंध है भाई हर तरफ, दिख भी नहीं धुंधी धुंधे 200 मीटर आएगा विजिबिलिटी नहीं आ रही, 250 मीटर आएगा दिख भी नहीं रहा कुछ, पूरा खाली खाली। अब हम हंसते गाते बातें करते हुए जा ही रहे होते कि एकदम से हमें ख्याल आता है कि यार खाना तो खाया ही नहीं है और सबको भूख भी लग गई है, तभी अक्षय को एक ढाबा दिखाई देता है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा। अगर आप लोगों ने हमारी हर की धुन वाली ट्रिप देखी होगी ना, सीरीज तो, सीरीज है पूरी, उसमें आपने देखा होगा हम इसी ढाबे पर रुके थे, तो अभी दोबारा से इसी पर रुक गए, रात में व्लॉग यहीं से स्टार्ट। अब इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा बहन के प्यार को कार की डिग्गी से निकाल के अपने पेट में डालने का। नाउ टू बी एग्जैक्ट, बहन ने हम सबके लिए 5-5 पराठे भेजे थे, इन टोटल 25, तो हमने सिर्फ दाल मखनी और एक पनीर बटर मसाला मंगा लिया और फिर जम के खाया। ढेर सारा खाना खाने के बाद हमें कुछ पीने का मन किया, तो हमने ले लिया हम सबके लिए स्टिंग और फिर अपनी गाड़ी में बैठे एंड निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। ढाबे से निकल के कुछ दूर चल के एक और टोल हमारा वेट कर ही रहा होता है एंड इस टोल पे हमें एक नई चीज पता लगती है। ये वापसी का भी कर दे एक साथ, देखा नहीं होता। वापसी में करते ही नहीं, फास्टैग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कैश में तो आने जाने दोनों साइड का हो जाता है और ये फास्टैग में नहीं करते, लगाओ मैं तो फिर लाइन में खड़ा हूँ। बहुत कॉपीराइट आने वाली है हमारे इस व्लॉग पे, लेकिन हमें क्या, हमारा कौन सा चैनल मोनेटाइज्ड है।
भी खो गया। हंस तेरी लाइन इस दिन हम लोग काफी खुश थे क्योंकि एकदम से हमारा प्लान बना एंड एग्जीक्यूट भी हुआ। शायद गंगा मैया ने हमारी परीक्षा लेने की ठान ली थी तो हम बहुत ही बुरा फंस गए, लिटरली बहुत बुरा फंस गए। फाइनली भाई एक घंटा मशक्कत करने के बाद अब रैली खुल गई। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खुल गया रास्ता, पहुंचेंगे यहाँ। अभी तक तो हमें हरिद्वार पहुंच जाना चाहिए था, बस बच गए भाई। इतनी देर से फंसे हुए थे लगभग एक घंटा, एक घंटा पेट्रोल की सारी माइलेज खराब कर दी हमारी जो हमने बनाई थी इतनी देर से चल चल के। एक के बाद एक मुश्किल आए जा रही थी और नेक्स्ट मुश्किल थी हमारी ही वजह से जनरेटेड, मतलब हमने अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चला लिया। हमने सोचा 95 रुपीज़ का टोल है तो एक अल्टरनेटिव रास्ता है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। एंड उसको चूज़ करना आप खुद ही देख लो कैसा रहा हमारे लिए। गाइस अभी ना फोर्थ नंबर का टोल आ रहा था और ये था 95 रुपीज़ का, तो आप थोड़ा गूगल करके रास्ता देख के आना। तो उस पर दो दो अल्टरनेटिव रास्ते हैं, एक पे आपके 100 रुपये बच सकते हैं और 10-15 मिनट का स्लो डाउन है, बट 100 रुपये बच जाएंगे आपके। तो अगर टाइम ज़्यादा है तो डाइवर्जन ले लेना, वरना 100 रुपये दे देना। दोस्तों गैस करो कि अरे दिग्गी दाढ़ी रोकी भाई की दाढ़ी दिग्गी, नहीं तो पीछे से भी पहचान में नहीं आता। गैस अभी रास्ते की हालत देखो, रास्ते ऐसा लग रहा है 100 रुपये बचाने के चक्कर में गाड़ी यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। वैसे लोगों के पास बंदूकें हैं गाड़ियों में, पीछे लोग मिले यहीं पे पार्क कर दो और पैदल पैदल चले जाएं। कभी हमें बोलते हैं दबा के लगा दो और पैदल पैदल जाओ, अब तुम गाड़ी हाँ गाड़ी यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम ध्यान रख लेंगे, आते टाइम लेते, आना मत इधर दोबारा। सीन कुछ ऐसा है, मत बचाना अपने 100 रुपये, सीधे टोल वाले पे जाना। कभी कंजूसी में हमारी तरह कंगलागिरी करो तुम लोग, मत बचाना 100 रुपये भाई। आधा घंटा हो गया मैं इसी रोड पे ही, 2-3 किलोमीटर आए हम आधे घंटे में, दिखाएं कितने सुनहरी रोड है। ये देखो कहाँ ले जाऊँ मैं गाड़ी अपनी, गाड़ी कहाँ लेके जाऊँ। वो 24 मिनट का रास्ता था, वो 24 मिनट का रास्ता था और हम 24 मिनट में पहुंच जाते हैं। अभी हम 24 मिनट में रोड पे पहुंचेंगे। आप हमारे तरह गरीब हो तो 100 रुपये भाई दे ही देना फिर भी, बस ले जाना। ये हमें ना हमें पता था रोड टूटा हुआ, पर तुम्हारे लिए तो मानते तो होंगे, हमारी बात पे भरोसा नहीं करते, तो हमने दिखाया कितना टूटा हुआ है। कैमरा इतना हिल रहा है। फाइनली जो भी छोटी मोटी मुश्किल थी उन सबको ओवरकम करके हम पहुंचे फरकी पौड़ी। एंड वहां जाके जो सेटिस्फेक्शन और शांति हमें मिली वो बस बोल के ही बता सकते हैं, फील तो आपको वहीं जाके करना पड़ेगा। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं, हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे, 9 बजे निकले थे हम। अगर रैली ना होती तो 1.25 घंटा पहले आ जाते। और पार्किंग के पैसे इधर है, 90 रुपये की पार्किंग है अदर देन उत्तराखंड वालों के, जो उत्तराखंड के उनके लिए फ्री है। और बस अभी इधर किधर है हर की पौड़ी, सामने की तरफ है, पता नहीं है कहीं है, कहीं है यही, ढूंढ लेते हैं हम लोकेशन है ना हर की पौड़ी, देख लेते हैं। ठीक है तो मिलते हैं, बस अभी हर की पौड़ी दिखाते हैं आपको। एक अलग ही एनर्जी थी वहाँ, मैं बस एक पुल पे खड़ा होके गहरी सांसें लेकर उस एनर्जी को फील कर रहा था एंड लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। अब ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी एंड और लंबी हो जाएगी। एक छोटा सा लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लाइफ का जो कि मैंने आपसे अभी शेयर किया। एंड आप अगर यहीं तक आ ही गए हो तो प्लीज़ एक लाइक, 2 कमेंट एंड 3 शेयर कर देना दोस्तों, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड काफ़ी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए भी मैं माता से आशीर्वाद लेने इधर आया था।
मैं अपना नहाना कंप्लीट करके बाहर तो आ गया था, लेकिन उन लोगों को मस्ती करता देख के मेरे मन में फिर से लालच आ गया। तो मैं अपनी थुलथुली बॉडी का फ्लॉन्ट करके उन बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं ले, लिटरली थोड़ा सा भी नहीं ले। सबके बाद हमने काफ़ी देर तक, लिटरली काफ़ी देर तक, आधा पौना घंटा हमने खूब डुबकी लगाई, मस्ती की, फिर नहा धो के थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक करी एंड चीज़ों को एंड लोगों को थोड़ा बहुत कैप्चर किया, थोड़ी चाय पी एंड ब्रेड पकौड़ा खाया। फिर हमने भी छोटी छोटी बोतलें खरीदी एंड गंगा मैया का थोड़ा सा अंश अपनी बोतल में भरा। एंड हाँ, और एक चीज़, हम सब ने हमारे लिए एक बैंड खरीदा, जिससे हमें कुछ सामान मिल गया एंड अंकल की थोड़ी हेल्प हो गई। मेरे सर पे हाथ रखते।